हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक फिश करी रेसिपी जो बहुत ही इजीली बन जाते हैं और साथ में ही बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से इंस्टेंटली बन जाते हैं। वही रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और इसको बनाऊँगी मैं आज आसी। देखिए, ये आसी की फिश करी मसाला से बनाऊंगी और इसकी एक क्विक रिव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं ऐसे ही खुद परसेस करके मैंने इस रेसिपी को बनाया है। तो ये है आसी की फिश करी मसाला और ये है 50 ग्राम की पैकेट। और इस पैकेट को आप लोग 1.5 kg तक फिश के लिए यूज़ कर सकते हो और 50 ग्राम में इसकी प्राइस है 26 रुपीस। और अभी बताती हूँ, इस फिश करी मसाला को ऐड करने से और कुछ भी मसाला ऐड नहीं करना है, सिर्फ नमक ऐड करना है करी में। तो इधर दिखाती हूँ आप लोगों को इसमें इंग्रेडिएंट क्या क्या है। देखिए, ये है रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर, ब्लैक पेपर, क्यूमिन, मस्टर्ड, फेनुग्रीक एंड टर्मेरिक। हल्दी भी नहीं यूज़ करना है और फिश को फ्राई भी नहीं करना है इस रेसिपी को बनाने के लिए। इधर देखिए, 3 लैंग्वेज में लिखा हुआ है इस रेसिपी को, फिश करी रेसिपी को बनाने की प्रोसेस, इंग्लिश, साउथ इंडियन लैंग्वेज और साथ में ही हिंदी लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है। आप लोगों को बोलती हूँ क्विकली कि कैसे बनाया जाता है, बहुत ही इंस्टेंटली बनाने वाले ये टेस्टी फिश करी, साउथ इंडियन फिश करी रेसिपी। देखिए, फर्स्ट ये जो पैकेट है ये 1.5 kg, यानी इधर लिखा है 1.25 kg फिश के लिए ये होल मसाला आप लोग यूज़ कर सकते हो, बट मैं थोड़ा कम यूज़ कर रही हूँ, यानी मेरी जो फीस है वो 300 के करीब है, तो इसलिए मैं इसकी क्वांटिटी कम करूँगी मसाला की। तो अभी दिखाते हूँ इसको बनाने की जो प्रोसेस है, इधर क्या लिखा है। देखिए, फर्स्ट आप लोगों को फीस को क्लीन करना है, उसके बाद कढ़ाई में जो भी ओनियन, टोमेटो और गार्लिक, जिंजर नहीं यूज़ करना है, और टमाटर जूस। देखिए, मैंने इधर लिया है ये 2 टोमेटो को चॉप कर लिया है, साथ में ही 1 लार्ज ओनियन को चॉप कर लिया है, ये है गार्लिक की क्लोव्स, इसको भी चॉप कर लिया है, और ये है टमरिन पल्प की वाटर जिसको मैंने भिगो कर रख दिया है, और साथ में ही साउथ इंडियन फिश करी के लिए जो मेन इन्ग्रीडियंट है यानी करी लीव्स, और बाद में मैं कोरिएंडर लीव्स भी यूज़ करूँगी। तो अभी दिखाती हूँ। देखिए, फर्स्ट आप लोगों को जो फीस है उसको क्लीन कर लेना है, उसके बाद जो टोमेटो, ऑनियन एंड गार्लिक है उसको फ्राई करना है, उसके बाद आप लोग जो टमरिंड जूस है उसको भी ऐड करना है। और ये 1.5 kg की फिश के लिए ये रेसिपी बोला गया है, बट मेरी कम है तो मैं कम यूज़ करूँगी, और जो मसाला है वो जले ना, इसीलिए आप लोग इसको वाटर में डिजॉल्व करके ही आप लोगों को बनाना है, और उसके बाद सॉल्ट ऐड करना है, सिर्फ सॉल्ट और कोई भी मसाला नहीं जाएंगे इसमें। और लास्ट में आप लोगों को करी लीव्स, ये भी ऑप्शनल है, आप लोग यूज़ कर सकते हो, और कोरिएंडर लीव्स ऐड करके सर्व करना है। बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये रेसिपी और बहुत ही ईजी तरीके से भी बन जाते हैं। और इस करी के लिए मैंने सी फिश लिया है, यानी मैकरेल फिश, इसको मैं चॉप करके पीस पीस में कर लूँगी ताकि ये पकने में इसको इजी हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाने की प्रोसेस। इधर ऑयल डाल दिया है फर्स्ट कढ़ाई में, और इधर मैंने यूज़ किया है वेजिटेबल ऑयल, आप लोग चाहो तो कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा लगता है, उसकी टेस्ट भी इस साउथ इंडियन फिश करी के लिए। और देखिए, अभी जो ऑनियन को चॉप करके रखा था उसको भी डाल दिया है, साथ में ही जो गार्लिक की क्लोव्स है उसको भी डाल दिया है। इस रेसिपी के साथ कोई भी जिंजर नहीं जाएंगे, क्योंकि विदाउट जिंजर ही बहुत अच्छा लगता है। और ये जब थोड़ा हल्का सा भून जाएंगे तब मैं इसमें डालूँगी टोमेटो, टोमेटो भी बहुत अच्छा लगता है, और एक मेन इन्ग्रीडियंट है साउथ इंडियन फिश करी के लिए। यहाँ मैंने 2 टोमेटोज़ लिया है मीडियम साइज़ की। अभी फिर से इस सभी को मिक्स कर लूँगी, साथ में ही डाल दिया है ये करी लीव्स। और आप लोग, अगर आप लोगों के पास फ्रेश नहीं है तो सूखा करी लीव्स भी यूज़ कर सकते हो,
और इसमें कोई भी एक्स्ट्रा मसाला नहीं जाएंगे। देखिए जीरा वगैरह किसी को भी नहीं डाला है। अभी इसको 2-3 मिनट्स के लिए ऐसे ढक के रख दूँगी और देखिए 2-3 मिनट्स के बाद प्याज और जो टोमेटो है वो भी थोड़ा नरम हो गई है। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सॉल्ट, सिर्फ सॉल्ट ही यूज़ होता है एक्स्ट्रा, क्योंकि मसाला के जो पैकेट है आशी की उसमें सभी इंग्रेडिएंट रहते हैं, हल्दी भी रहते हैं, तो एक्स्ट्रा ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इसमें जाएंगे जो पल्प थी इमली यानी टमाटर की पल्प, इसको मैंने सीड वगैरह जो थी वो निकाल के पानी, सिर्फ वाटर जो थी उसको ही यूज़ कर रही हूँ इस करी के लिए। और अगर आप लोगों के पास ये टमाटर नहीं है तो आप लोग लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हो। अब ये मसाला मिक्स मैंने 1.5 टेबल स्पून इस वाटर के साथ मसाला यूज़ करके ऐसे पानी में खोल के मैं इसको यूज़ कर रही हूँ देखिए, और बहुत ही इजी होता है। और जो फिश थी उसको भी मैंने कट के ऐसे ही पीस पीस करके लिया है, और ये सी फिश है, सी फिश इस करी के लिए बहुत अच्छा लगते हैं। आप लोग ऐसे भी रिवर फिश भी यूज़ कर सकते हो। देखिए फिश मैंने नहीं फ्राई किया था, सिर्फ इसको ऐसे ही रख दिया है करी में और इसको ऐसे ही ढक्कन लगा के अभी 10 मिनट्स के लिए मीडियम आँच पे रख दूँगी। और 10 मिनट्स के बाद देखिए जो वाटर थी करी की वो थोड़ा रिड्यूस हो गई है और थोड़ा गढ़ा भी हो गई है करी, और ये ऑलमोस्ट तैयार हो गई है फिश करी रेसिपी साउथ इंडियन जो मैंने बनाया है आसी मसाला से। और लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फ्रेशली चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स। तो देखिए ये बहुत ही ईजीली बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट से झटपट बन गई है मेरी साउथ इंडियन यम्मी सी ये फिश करी रेसिपी, और आप लोग इसको गरम गरम राइस के साथ एंजॉय कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि इसकी एक टेंगी और स्पाइसी फ्लेवर होता है। तो कैसा लगा ये रेसिपी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आगे भी मेरी ऐसे वीडियोस और रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक करना ना भूलिए। तो फिर मिलती हूँ मेरी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।